इकाई 4 अपने बारे में का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के सवाल जवाब देखेंगे। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न 1, सुनिए और बोलिए। तो बच्चों, मैं जो बोलती हूँ वह आपको ध्यान से सुनना है और फिर वैसे ही बोलना है। यस टीचर। गुड। प्रश्न 1 का अ पहला शब्द गाव। 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 जब छुट्टियां होती है तब आप अपने गांव जाते हैं ना? यस टीचर। ओके। दूसरा शब्द है कक्षा। 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 कक्षा यानी कि धोरण। तीसरा शब्द है अध्यापक। 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 ओके। अध्यापक यानी कि शिक्षक या फिर शिक्षिका। चौथा शब्द है बुआ। 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 बुआ यानी कि हमारे पापा की बहन, जिसे हम गुजराती में फई कहते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं, गाव। गाव। कक्षा। कक्षा। अध्यापक। अध्यापक। बुआ। बुआ। ब। अब हम वाक्य बोलना सीखते हैं। पहला, मैं विद्यार्थी हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ। मैं विद्यार्थी हूँ। इसका अर्थ है हूँ विद्यार्थी छू। दूसरा, मैं चौथी कक्षा में पढ़ता हूँ। 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 इसका अर्थ है हूँ चौथा धोरण मा भणू छू। तीसरा, मैं चौथी कक्षा में पढ़ती हूँ। 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 इसका भी अर्थ है कि हूँ चौथा धोरण मा भणू छू। परंतु જ્યારે છોકરો વાક્ય બોલશે ત્યારે તે બોલશે પઢતા હું, અને જ્યારે છોકરી વાક્ય બોલશે ત્યારે તે બોલશે પઢતી હું। અબ ચોથા વાક્ય, હમારી પાઠશાળા કા નામ। હમારી પાઠશાળા કા નામ। સરસ્વતી વિદ્યાલય હૈ। સરસ્વતી વિદ્યાલય હૈ। ફિર સે હમારી પાઠશાળા કા નામ। हमारी पाठशाला का नाम सरस्वती विद्यालय है। सरस्वती विद्यालय है। इसका अर्थ है हमारी यानी कि हमारी पाठशाला का नाम, शाला नो नाम सरस्वती विद्यालय है, यानी कि सरस्वती विद्यालय छे। हमारी शाला नो नाम सरस्वती विद्यालय छे। तो बच्चों, अब हिंदी बोलना आसान लगता है ना? Yes, teacher. Good. प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, मैं सवाल पूछती हूँ और आपको अपने अपने हिसाब से उसके जवाब देने हैं। पहला, आपका नाम क्या है? तो आपका जो भी नाम है वह आपको पूरे वाक्य में बोलना है। जैसे कि अगर आपका नाम साक्षी है तो आप वाक्य क्या बोलेंगे? मेरा नाम साक्षी है। इसी तरह आपको आपका जो भी नाम है वह पूरे वाक्य में हिंदी में बोलना सीखना है। दूसरा वाक्य, आपके पिताजी का नाम क्या है? तो इसका भी उत्तर आपको हिंदी में ही देना है। उसी तरह तीसरा प्रश्न, आपकी माता जी का नाम क्या है? तो आपकी माता जी का जो भी नाम है वह आपको पूरे वाक्य में और हिंदी में बोलना सीखना है। प्रश्न 3, पढ़िए और लिखिए। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़ना भी है और लिखना भी है। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। पहला, परिवार। 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 परिवार यानी कि कुटुंब। हम अपने परिवार के साथ घर में रहते हैं।
दूसरा सहेली 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 यानी कि हमारी सखी। तीसरा दोस्त 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 यानी कि मित्र। अध्यापक 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 यानी कि शिक्षक। गांव 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 यानी कि हमारा गांव। कक्षा 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 यानी कि धोरण। अच्छा 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 यानी कि सारू। अपने कई वस्तु गमे छे तो हम क्या बोलते हैं, हमें यह अच्छा लगता है। खिलाड़ी 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 यानी कि खिलाड़ी, जो गेम खेलता है यानी सचिन तेंदुलकर, वह भी एक खिलाड़ी है। तो इन शब्दों को आपको देखकर सुंदर अक्षरों से लिखना है। अब हम स्वाध्याय के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है सही जोड़े बनाइए, जिसमें विभाग अ में है पिता, भाई, चाचा, मामा और दादा। विभाग ब में है भाभी, दादी, मामी, माता और चाची। मैं विभाग अ के शब्द बोलती हूँ, आपको सामने वाले विभाग में से सही उत्तर बताना है। पिता के सामने क्या आएगा? माता। सही उत्तर है माता। भाई के सामने क्या आएगा? भाभी। सही उत्तर है भाभी। चाचा के सामने क्या आएगा? चाची। सही उत्तर है चाची। मामा के सामने क्या आएगा? मामी। सही उत्तर है मामी। दादा के सामने क्या आएगा? दादी। वेरी गुड, सही उत्तर है दादी। अब प्रश्न दो, क्वेश्चन में से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। पहला, अरुणा चौथी कक्षा में खाली जगह है। शब्द है पढ़ता पढ़ती। यहाँ पर अरुणा लड़की है तो क्या आएगा? पढ़ती। गुड, वाक्य होगा अरुणा चौथी कक्षा में पढ़ती है। दूसरा, लड़का खेल खाली जगह रहे है रहा है। यहाँ पर एक ही लड़के की बात की गई है तो क्या आएगा? रहे है आएगा या फिर रहा है आएगा? रहा है आएगा। गुड, वाक्य हो जाएगा लड़का खेल रहा है। तीसरा, मैं माता पिता का आदर खाली जगह करता हूँ या फिर करते हैं। यहाँ पर एक ही लड़के की बात की गई है तो फिर क्या आएगा? करता हूँ। वेरी गुड, वाक्य हो जाएगा मैं माता पिता का आदर करता हूँ। प्रश्न तीन, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। शब्द है मैं, मुझे, मेरी, मेरे। पहला, खाली जगह लड़की हूँ, क्या आएगा? मैं लड़की हूँ। वेरी गुड, इसमें आएगा मैं। दूसरा, खाली जगह पिता किसान है, क्या आएगा? मेरे पिता किसान है। वेरी गुड, यानी कि खाली जगह में आएगा मेरे। तीसरा, खाली जगह माता घर काम करती है, क्या आएगा? मेरी माता घर काम करती है। गुड, खाली जगह में आएगा मेरी। चौथा, खाली जगह खेलना अच्छा लगता है, क्या आएगा? मुझे खेलना अच्छा लगता है। गुड, खाली जगह में आएगा मुझे। प्रश्न चार, अपनी सखी या फिर अपने दोस्त का परिचय लिखिए। लड़कियां जो है वह अपनी सखी के बारे में और लड़के अपने दोस्त के बारे में वाक्य लिखेंगे। यहाँ पर जो वाक्य है वो सिर्फ आपको समझाने के लिए लिए गए हैं। आपको अपने हिसाब से वाक्य लिखने हैं। उदाहरण देखते हैं, मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम सुरेश है,
यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मेरे दोस्त का नाम सुरेश है, वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, हम दोनों बचपन से ही दोस्त है, उसका घर मेरे घर के पास ही है, उसे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है, वह हमारी टीम का कप्तान है, खेलकूद के साथ साथ वह पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको किस हिसाब से लिखना है, परंतु आपको ये वाक्य देख देख कर नहीं लिखने हैं, आपके जो सही में आपका दोस्त या सखी है उसके हिसाब से ही आपको वाक्य लिखने हैं। योग्यता विस्तार, इस प्रश्न को आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है, यह है हमारे रिश्ते नाते। जैसे कि पिता के पिता को क्या कहते हैं हम, दादा, पिता की माता को दादी, पिता के छोटे भाई को क्या कहते हैं चाचा, पिता की बहन को बुआ, माता के पिता को नाना, माता की माता को नानी, माता के भाई को मामा और माता की बहन को मौसी कहते हैं। बच्चों, यह आपको हिंदी में याद रखना है। अगले वीडियो में हम एक नए इकाई के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।